हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग है ना स्क्रू जैक पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे और ये न्यूमेरिकल आपका है ना, इसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल इस पर आप इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को आप अधिक से अधिक सोल्व कीजिएगा, एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा तो आप इसको आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं वो आपका 2019 के SBT नेक्स्ट आपका SBT बोर्ड में 2019 में आपका प्रश्न पूछा है, उसी को हम लोगों ने सोचा कि इसको ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो डिजाइन प्रोसीड्योर के साथ हम लोग न्यूमेरिकल को ही सॉल्व कर रहे हैं एक साथ दोनों को, क्योंकि हम लोग का समय का अभाव है। तो चलिए हम लोग आपको डिजाइन प्रोसीड्योर नहीं पूछे, जनरली आपको न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो न्यूमेरिकल ही आपको अधिक से अधिक सॉल्व कीजिएगा, जब न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका डिजाइन प्रोसीड्योर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन है जो 2019 में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो कहता है डिजाइन द स्क्रू ऑफ 4A स्क्रू जैक टू लिफ्ट 50 किलो न्यूटन, यानी लोड का आपका वैल्यू दिया 50 किलो न्यूटन थ्रू लेस थ्रू हाइट 200 mm विथ ग्राउंड क्लियरेंस 300 mm और लोअर शियर स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस 90 MPa दिया, यानी 90 हो गया आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा सी यानी क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू 110 न्यूटन एमएम पर एमएम स्क्वायर हो गया। शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसके बाद चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आपका डिजाइन बना दिया आपका, एक है ना फिगर है आपका किसका, तो स्क्रू जैक का जो पिछले क्लास में आपको बना दिए थे, फिर एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपका रॉड हो गया है ना, जिसको आप घुमाते हैं, हैंडल हो गया जिसपे हम लोग एफर्ट लगाते हैं, उसका सेंटर से लेकर जहां तक लेंथ हैंडल का इंड पॉइंट होता है उसी को हम लोग एल मानते हैं, वहां का लंबाई ऊपर से लोड लगेगा है ना, लोड लगेगा और ये पोर्शन जिसको हेड मानते हैं ना, वे जो पूरा जो हेड का जो हाइट है उसको हम लोग एच मानते हैं, कैपिटल एच। उसके बाद देखिए नट है, ये बेस है, ये बॉडी है और ये नट का जो डायमीटर और डी टू है और ये आपका थिकनेस कितना है, तो T1 हो गया। फिर एच यहाँ से यहाँ का हाइट एच पर स्मॉल एच हो गया और जितना जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच हाइट, यही आपका हाइट क्या कहलाएगा, जितना आप लोड को लिफ्ट कीजिएगा लिया जितना आप लोड को लोअर कीजिएगा यही आपका क्या निकलता है, लिफ्टिंग लोड H1 यानी कैपिटल H1 ही आपका निकलेगा वैल्यू। फिर ग्राउंड क्लियरेंस आपका दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्राउंड क्लियरेंस है, जहां से आपको रॉड नहीं ठेकता, क्लियरेंस आपका दिया T2 हो जाएगा। उसके बाद एक देख लीजिए तीत है, तो तीत का इस तरह से हम लोग अलग से है ना फ्रंट व्यू बना देखने के लिए, यहाँ तो तीत जनाएगा नहीं तो हम लोग ने यहाँ बना लिया, तो ऊपर से लोड लग रहा और देखिए एक दूसरे के है ना मेन डिस्टेंस के मीन डिस्टेंस के बीच हम लोग पिच मानते हैं और जो कोर डायमीटर होता है इसका DC से लिखते हैं और ये नॉमिनल डायमीटर को DO लिखते हैं और दोनों को अगर दो जोड़कर दो से भागा दे देंगे तो हम लोग को मीन डायमीटर यानी कि D निकल जाता है। उसके बाद देखिए चलिए हम लोग, तो डाटा आप लोग गिवन है W=50 × 10³ हो गया आपका सॉरी न्यूटन आपका लोड दिया हुआ, H1 का वैल्यू दिया 200 mm। उसके बाद सिग्मा सी का देखिए आपका 110 न्यूटन पर एमएम, उसके बाद सिग्मा टी का 90 mm न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसके बाद शियर स्ट्रेस का 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। उसके बाद हम लोग स्टेप वन में चलेंगे, तो वहां तक आप समझ गए होंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप वन में। स्टेप वन में देखिए कहता है कैलकुलेट द कोर डायमीटर ऑफ अ स्क्रू जैक, ये जो कोर डायमीटर यानी कि DC है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू जाते हैं लोड अपॉन एरिया, तो लोड हो गया, अब एरिया कैसे पाई बटे 4D² लेकिन यहाँ कोर डायमीटर निकालें तो कुछ सी लगा देंगे और यहाँ से आपका निकल, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट W × लोड का वैल्यू देखिए आआपका 50 × 10³ यानी 3/π × σc का वैल्यू देखिए आपका गिवन है 110। उसके बाद यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो DC का वैल्यू आ जाएगा, DC का वैल्यू आपका आ जाएगा 24.05 mm, ये आपका DC का वैल्यू आ गया। और अपने मन से यहाँ आपके मन से आपको या तो 6 लेना है या 8 बढ़ा कर लेना है कोर डायमीटर को, तो यह मान लीजिए हम 6 बढ़ा कर ले रहे हैं यानी कि DC = हो जाएगा क्या, तो ये आपका 30 के इक्वल हो जाएगा है ना, यानी कि 30 mm। अब हम लोग जब भी DC का यूज करेंगे तो 30 mm, नहीं तो आप इसको एग्जांपल से एक बार दूसरा स्टेप में देखिए तो कैलकुलेट द है ना, ये अपने मन से सीख जिससे आपको क्या हो गया आसानी से आप बना पाइएगा न्यूमेरिकल को है ना, आपका जो स्ट्रेस का वैल्यू आपका सेफ कंडीशन में रहेगा, जहां आप 6 या 8 बढ़ाकर लीजिएगा तब क्या, तो कोर डायमीटर का। इसके बाद देखिए कैलकुलेट द नॉमिनल डायमीटर DO या पिच और फ्रॉम टेबल, यानी कि डाटा हैंडबुक से आपको
पेज नंबर 60 में जाना है, और 60 में आपको इस तरह से डाटा हैंडबुक आपको मिल जाएगा, और वहां से आपको क्या निकालना है, तो आपका कोर डायमीटर निकालना, उसके बाद नॉमिनल डायमीटर और पिच डायमीटर। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों ने 24 निकाल के आया था, 24 हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको आएगा 26, उसके बाद आपका 30 है ना। तो देखिए डीसी का वैल्यू मान लीजिए कि 24 है, तो 24 है, 24 यानी कि 24 है, उसके बाद 26 या 30 इसी के रेंज में आपको आएगा। तो अभी आपको बताएं कि 24 आएगा तो 6 बढ़ा के लीजिएगा, तो 6 बढ़ा देंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 26 में आपका 6 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, छब्बीस में 6 बढ़ाएंगे तो आपका 32 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 में 6 बढ़ाएंगे तो 36 हो जाएगा, है ना। यानी कि डीसी का वैल्यू 24 है तो क्या है, डीओ लिखेंगे कितना लेंगे, 40 लेंगे, 30 लेंगे, 26 अगर डीसी का वैल्यू आया तो 32 लेंगे, 30 आया तो 36 लेंगे, और पिच जितनी यहाँ तक जितना भी होगा उस सभी का पिच कितना लेंगे, तो पिच का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे। और जैसे ही आपका 31 से बढ़ने लगेगा यानी डीसी का वैल्यू, तब हम लोग लेंगे पिच का वैल्यू 7। ये आपका जो आप ये डाटा एंड बुक से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल दिया क्या, तो डी ओ इज इक्वल टू 30 और डी ओ इक्वल टू 30 हम लोग डीसी लिए हैं तो 36 यहां लेना पड़ेगा, और आपका पी इक्वल टू आप क्या हो गया, कितना पीच आपका निकल जाएगा 6। तो चलिए अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप का था कैलकुलेट द मीन डायमीटर, तो दोनों को जोड़कर दूसरे भागा देंगे तो निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ आपका डीसी के 30 हो गया और डी ओ 36 यानी 30 30 60 6 यानी कि 30 30 और 3 33 आपका निकल जाएगा, 33 एम एम आपका डायमीटर मीन डायमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 4 में देखेंगे तो हेलिक्स एंगल निकालेंगे। तो हेलिक्स एंगल वगैरह आप जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था कि टैन अल्फा बराबर पी बटे पाई डी यानी कि लोड है ना बटे यानी कि सामने बटे क्या होता है, तो आपका बेस होता है, तो बेस आपका पाई डी हो जाएगा। तो ये अल्फा निकल जाएगा टैन इनवर्स पी, पी का वैल्यू आपका गिवन है यानी कि पिच, पिच निकला है 6, तो 6 भर देंगे आप, डी का भी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके, पिच का वैल्यू आपको पुट कर देना है 6, यहाँ पिच 6 है, और उसके पाई इंटू डी का वैल्यू आपका निकल, डी का निकला 33, तो इंटू 33 से गुना कर देंगे तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा आपका आएगा 3 डिग्री यहाँ तक। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एंजूम है ना, एंजूम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट, स्क्रू है उसका और नट के बीच हम लोग, ये स्क्रू है ये नट के बीच हम लोग फ्रिक्शन यानी कि म्यू बराबर फ्रिक्शन होता है 0.14, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो म्यू बराबर हम जानते हैं फोर्स इंटू नॉर्मल होता है ना, तो टेन फाइव बटे फोर्स इंटू नॉर्मल, तो यहाँ फोर्स इंटू नॉर्मल बराबर टेन फाइव बराबर म्यू लिख सकते हैं, और यहाँ से टेन फाइव इंटू टेन इनवर्स म्यू होगा, तो यहाँ से फाइव का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यानी टेन इनवर्स 0.14 के म्यू का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका फाइव वैल्यू हो जाएगा 7.969 डिग्री, तो यानी फाइव और अल्फा का वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग स्टेप फाइव में देखेंगे, तो स्टेप फाइव में हो गया आपका टॉर्क रिक्वायर्ड रोटेड स्क्रू यानी इस स्क्रू को रोटेड घुमाने में जितना टॉर्क चाहिए उसको हम निकालेंगे, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू हम लोग टॉर्क बराबर क्या जानते हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपका कितना होगा, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो D बाई 2 हो जाएगा। अब यहां से फोर्स का वैल्यू, यहाँ फोर्स क्या है, तो फोर्स आपका बल है यानी कि लोड का वैल्यू दे रहा है, यानी कि 50 इंटू 10 के पावर 3 इंटू, अब यहां से देखिए W10 क्या हो गया, तो W10 पिछले क्लास में आपको बता दिया था, W का वैल्यू आपका हो गया 50 इंटू 10 के पावर 3 और 10, तो 10 फाइव का वैल्यू आपका गिवन है यानी फाइव अभी निकले हैं 7.969 प्लस अल्फा का वैल्यू आपका 3.312 इंटू डायमीटर आपका निकलेगा 33/2, और यहाँ से वैल्यू के T1 कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में पुट किया जाए तो आपका आ जाएगा 164.56678 न्यूटन mm, ये आपका वैल्यू आ जाएगा है ना। और उसके बाद आपका टोटल टॉर्क निकालने के लिए रहेगा, तो आपका क्वेश्चन में T2 वैल्यू आपका टॉर्क का वैल्यू दिया रहेगा, तो टोटल टॉर्क आपका T1 प्लस T2 हो जाएगा, तो टोटल टॉर्क भी आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप 6 में, देखिए तो कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस इन मटेरियल ड्यू टू किसे, तो टॉर्क से, टॉर्क के कारण शेयर स्ट्रेस डेवलपमेंट होगा किसमें, मटेरियल में, तो हम लोग
टॉर्सनल इक्वेशन जानते हैं, टी बटा जे बराबर टाउ बटे आप, है ना। तो यहाँ से टाउ बराबर टी वन इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेशन करने पड़ेगा, फॉर्मूला रहेगा टाउ बराबर शेयर स्ट्रेस बराबर, और यहाँ शेयर स्ट्रेस का वैल्यू पुट करेंगे तो शेयर स्ट्रेस का हम लोग वैल्यू निकलेगा 31. कितना, 31.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ये आपका किससे निकला, तो ये आपका निकल गया शेयर स्ट्रेस का वैल्यू, लेकिन यहाँ आपको एक और निकालना होगा क्रशिंग स्ट्रेस। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो सिग्मा सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो लोड अपॉन रेसिस्टिंग एरिया, तो रेसिस्टिंग पाई बटे 4 डीसी के 4 है ना स्क्वायर। तो अभी हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ वैल्यू को पुट 4 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू पुट करेंगे 50 × 10³, और आपका पाई इंटू डीसी का वैल्यू आपका दिया डीसी 30 के स्क्वायर, सी का वैल्यू आपका आ गया 70. न्यूटन एमएम स्क्वायर। ये हो गया आपका सिग्मा सी का भी वैल्यू और शेयर स्ट्रेस का भी वैल्यू आपका आ गया, यानी आपका कैलकुलेट और ये भी आपका कैलकुलेट। तो यहाँ से निकल गया सिग्मा सी और सिग्मा और शेयर स्ट्रेस का। अब उसके बाद स्टेप 7 देखिए, तो चेक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप एक्सियल लोड के कारण मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम में कैलकुलेशन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बटे 2 प्लस, ये आपका फॉर्मूला जानते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने सिद्ध भी किया था, और 1/2 यहाँ से 1/2 दोनों सब जगह से कॉमन कर लेंगे। तो सिग्मा सी देखिए यहाँ से चूंकि एक्स में है, तो सिग्मा यानी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू भी 0 होगा, और सिग्मा बाई बराबर सिग्मा सी क्रशिंग हो जाएगा, सिग्मा बी में यानी जो बाई के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो क्रशिंग हो रहा है, और साथ ही आपका सिग्मा एक्स बाई शेयर स्ट्रेस सिग्मा एक्स बाई, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे 1/2 यहाँ से वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे 1/2 सिग्मा सी का वैल्यू देखिए अभी निकाल के हैं 70.735 प्लस ये आपका 70.735 के स्क्वायर प्लस सिर्फ 4 × आपका ये हो गया, तो 4 × 31.04 के आपका स्क्वायर, तो गुना करने के कैलकुलेशन आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद चूंकि हम लोग देखिए 84 आ रहा है यहाँ आपका शेयर स्ट्रेस का, यानी सिग्मा सी और सिग्मा टी का वैल्यू आपका इससे कम है, है ना, यानी इससे ज्यादा है, तो हम लोग कंडीशन सेफ हो गया। उसके बाद स्टेप 8 में चलेंगे, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 के स्क्वायर प्लस शेयर स्ट्रेस एक्स वाई के स्क्वायर, तो 1/2 दोनों जगह कॉमन कर लेंगे, तो आपका सिग्मा सी का स्क्वायर चूंकि एक्स तो 0 है, तो सिग्मा सी का स्क्वायर प्लस 4 × शेयर स्ट्रेस के स्क्वायर होगा, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा 47.056 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जिससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे इसके यानी कि शेयर स्ट्रेस या और इसके किसके, तो गिवन डाटा आपका 60 है और यहाँ हम लोग को 47 आया, तो हम लोग को कंडीशन सेफ हुआ। तो ये आपका न्यूमेरिकल था किस पे, तो स्क्रू जैक पर, तो इस पर आपको न्यूमेरिकल आने की संभावना है, तो इसको ना अच्छे से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल को भी सोल्व कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।